डेन्यूब नदी के किनारे है हंगेरियन पार्लियामेंट, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्लियामेंट भी है। मैं आज जा रहा हूँ पार्लियामेंट के पास ही एक अपार्टमेंट देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको बुडापेस्ट में एकोमोडेशन। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया और वो हमसे पूछना चाहते हैं बुडापेस्ट में एकोमोडेशन कैसी होती है, क्या रेंटल्स होते हैं। तो आज जो मैं आपको अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, ये एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और अगर हम बात करें एरिया की तो ये करीब 100 स्क्वायर मीटर है, यानी करीब 1100 स्क्वायर फीट। तो आइए मैं आपको अपार्टमेंट के टूर पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो आपको वेलकम कर रही है, आपका स्वागत कर रही है। और यहाँ पे देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये शेल्फ हैं, आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं, जो भी यूटिलिटीज़ का सामान है। अब यहाँ पे हम चलेंगे किचन की तरफ। देखिए, किचन में भी ये इलेक्ट्रिक स्टोव है। अब हंगेरी में आम तौर पे जो खाना है वो इलेक्ट्रिकल स्टोव में बनाया जाता है। ये सिंक है बर्तन धोने के लिए और ये ओवन है, आप मतलब इसमें पिज्ज़ा बना सकते हैं, अपने फूड को ग्रिल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रिज है और फ्रिज के साथ साथ ही यहाँ पे फ्रीज़र भी है। देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि फ्रिज अलग से है और फ्रीज़र अलग से है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे लोग बेसिकली फ्रोज़न फूड खाते हैं, फ्रोज़न मीट खाते हैं, तो इस हिसाब से बना हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे शेल्फ भी हैं बर्तन रखने के लिए, तो आप अपने यूटेंसिल्स यहाँ पे रख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है वॉशिंग मशीन, तो आप अपने कपड़े भी धो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ओवरऑल ये जो अपार्टमेंट है ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे ये बहुत मॉडर्न सी, मैं कहूँगा पेंटिंग या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे न्यूयॉर्क लग रहा है, ये टाइम्स स्क्वायर होगा शायद। बेसिकली ये एक तरीके से किचन है और सिटिंग एरिया है। ये देखिए ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, काउच है तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं और सामने ही टेलीविज़न भी है। एक और चीज़, यहाँ पे बुक शेल्फ हैं तो आप अपनी किताबें यहाँ पे, यू कैन कीप योर बुक्स हेयर, ये बहुत अच्छा है। अब दूसरा जो मैंने एक चीज़ देखी है यूरोप में कि विंडोज़ बहुत बड़ी होती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्यू बहुत अच्छा है। और ये जो अपार्टमेंट है ये हंगेरियन पार्लियामेंट से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है, पार्लियामेंट बिल्कुल पीछे है इस बिल्डिंग के। यहाँ पे ये है एक बेडरूम, देखिए बेडरूम भी बहुत स्पेशियस है और यहाँ पे साथ में ही आपके क्लोज़ेट है, आप अपने कपड़े रख सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा अपार्टमेंट है ये। इनफैक्ट इसके साथ ही एक ये बहुत बड़ा मिरर है, आप यहाँ पे सज संवर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक बाथरूम है, बाथटब लगा हुआ है। इनफैक्ट जो यहाँ पे मतलब बाथरूम में जो भी सामान लगा हुआ है वो बहुत लेटेस्ट और मॉडर्न है। अब एक और जो ड्राइंग रूम है हम सॉरी बेडरूम है हम वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये दूसरा बेडरूम है और यहाँ पे भी बेड है और यहाँ पे भी देखिए एक और जो अच्छी चीज़ है वो है विंडोज़। अब देखिए यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको यहाँ पे विंडोज़ बहुत बड़ी हैं और यहाँ पे भी बेसिकली कबर्ड है, आप अपने कपड़ों को रख सकते हैं। और फिर ये एक और अटैच्ड टॉयलेट है और बाथरूम है। इनफैक्ट दूसरी जगह पे बाथटब था और यहाँ पे शावर लगा हुआ है। ये जो अपार्टमेंट है ये तकरीबन 100 स्क्वायर मीटर या 1100 फीट में बना हुआ है। और जहाँ तक इसके रेंट की बात करें, देखिए रेंट है 4,10,000 हंगेरियन फोरेंट, तो बेसिकली ये एक फैमिली के लिए है। आपकी सैलरी अगर मैं कहूँगा कि 1.5 मिलियन फोरेंट है तभी शायद आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे। वैसे
इसको स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं या डिजिटल नॉमेड भी कर सकते हैं। जैसे दो बेडरूम है तो दो लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा पर्पस है कि मैं आपको इसी तरीके की एकोमोडेशन दिखाता रहूं और आप फीडबैक दीजिए कि आपका क्या बजट है और किस तरीके की आप एकोमोडेशन देख रहे हैं, तो हम आपको उस तरीके का एकोमोडेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ। आइडिया ये है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं या काम के लिए आ रहे हैं तो आपको इनिशियल सपोर्ट किया जा सके। और हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ, तो हम वेरीफाई भी करते हैं ताकि आपके साथ किसी तरीके का धोखा ना हो जब आप यहाँ आने से पहले कोई प्रॉपर्टी रेंट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।